खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लग गई है। अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लगी बताई जा रही है। 4 से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, इस बाबत आशंका जताई गई है। कई जख्मी भी बताए जा रहे हैं। आईसीयू में 17 पेशेंट भर्ती थे, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। महाराष्ट्र का ये अहमदनगर का अस्पताल बताया जा रहा है, सिविल अस्पताल है, वहाँ हड़कंप मचा हुआ है आग लगने से। शॉर्ट सर्किट वजह है आग लगने की। 4 से 5 मरीजों की मौत हो गई है, ये आशंका जताई गई है, और कई जख्मी भी हैं। और इस आईसीयू में 17 मरीज इस सिविल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। अहमदनगर के जिला सरकारी अस्पताल के एक नई बिल्डिंग के अंदर जो है तो वो शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगने की प्राथमिक जो है तो इंफॉर्मेशन हाथ में आ रही है। इस आग के वजह से तकरीबन जो वार्ड में आग लगी थी उसके वजह से एक 4 से 5 जो मरीज है उनकी डेथ होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक फिलहाल में जो है तो वो कुछ आंकड़ा सामने नहीं आ चुका है क्या इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो मिली अभी जो फिलहाल में जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन मिली है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके जरिए जो सरकारी अस्पताल के नए बिल्डिंग के वार्ड में जो आग लगी थी उस आग के चलते तकरीबन 5 से 6 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पे डॉक्टरों से बातचीत करने की हमने कोशिश की, लेकिन फिलहाल का जो माहौल है उस तरीके का नहीं है। पेशेंट लोगों को अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, साथ ही आग के वजह से कई पेशेंट जो है तो बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। यहाँ पे पेशेंट के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो आजू बाजू के कार्यकर्ता हैं, वो जो है तो वार्ड के अंदर बेड को सरकाने का काम कर रहे हैं, पेशेंट को इस वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से आपने देखा इस वार्ड के अंदर 5 से 6 लोगों की जो है तो वो मौत होने की आशंका अभी तक सामने ही है, और कुछ ही देर में जो है तो वो लीगल इंफॉर्मेशन मिलेगी। उमेर सैयद, टाइम्स नाउ नवभारत, अहमदनगर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुणिल जुड़ गए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुणिल, क्या अपडेट मिल पा रही है? शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, आंकड़ा क्या है मरने वालों का, मरीजों का? वेल, अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा मरने वालों का आया नहीं है, बट हमारे जो संवाददाता उमर सैयद अभी रिपोर्ट कर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर से, तो वो बता रहे थे कि कैसे 17 लोग अंदर आईसीयू में थे, आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, और अभी पेशेंट्स को मूव करने का पूरा काम वहां के हॉस्पिटल अधिकारी कर रहे हैं। बट यस, आशंका बड़ी बताई जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जाने बचाए जाए, बट बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुख भरी ये खबर आ रही है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र में जो पड़ता है, वहां पे सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में ये आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। 17 पेशेंट्स वहां पे थे, वो बहुतों को मूव किया गया, बट उन बहुत जो पेशेंट जिनकी हालत गंभीर थी उनको उनके लिए कठिनाइयां बढ़ सकती है, ऐसे पता चल रहा है। अभी उमेर सैयद हमें ये भी बता रहे थे कि उन्होंने प्रशासन से बात की तो कुछ लोगों की मरने की भी संभावना इसमें जताई जा रही है। एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है इस पे हम नजर रखे हुए। अरुणिल, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वापस हम जा रहे हैं अहमदनगर का ही रुक कर है। अहमदनगर की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, सिविल अस्पताल की तस्वीर है। अरुणिल जानकारी भी दे रहे थे, अभी ऑफिशियल आंकड़ा कोई सामने आया नहीं है, लेकिन घर वाले परिजन जो वहां पर अपने अपने मरीजों के साथ मौजूद थे उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल प्रशासन शॉर्ट सर्किट वजह बता रहा है, लेकिन अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने जख्मी हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। 4 से 5 मरीजों की मौत हुई है, ये आशंका जताई जा रही है। 17 मरीज इस आईसीयू के अंदर थे, कुल 17 मरीज इस आईसीयू के अंदर थे। पुलिस भी शायद पहुंच गई है, जो तस्वीरों में मैं देख पा रही हूं। 17 मरीज इस आईसीयू के अंदर थे, 4 से 5 की मौत की आशंका है और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। अरुणिल, और कुछ खबर आ रही है, कुछ अपडेट आ रहा है इस पर? वेल, ऐसा पता चल रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है काफी बिजी हॉस्पिटल है, यहाँ पे जनरली इसके जो कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट होते हैं, और उमेर सैयद अंदर से ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आईसीयू वार्ड में ये आग लगी है। अभी आईसीयू वार्ड में सब गंभीर रूप से जिनका इलाज होता है वैसे पेशेंट्स को रखा जाता है, सीरियस क्रिटिकली पेशेंट्स को रखा जाता है,
तो वहां पे से अभी उनको मूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है डॉक्टर्स के लिए, वहां पे हॉस्पिटल अधिकारियों के लिए। और हम खाली आशा ये रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जाने इसमें बचाई जा सके। जो पेशेंट गंभीर है, हम देख रहे थे विजुअल भी काफी ऐसे विचलित करने वाली थी, जहां पे पेशेंट्स को रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जा रही है हॉस्पिटल अधिकारियों की तरफ से। उमर सैयद हमें और इन्फॉर्मेशन अंदर से देते रहेंगे, हम हॉस्पिटल अधिकारियों से बात करते रहेंगे, बट ये एक विचलित करने वाली खबर आ रही है अहमदनगर से, जहां पे आईसीयू वार्ड में 17 पेशेंट जो एडमिट थे वहां पे आग लगी है। कुछ बहुत सारे पेशेंट्स को इंजरीज होने की संभावना बताई जा रही है। बहुत सारे पेशेंट्स को उमर सैयद ये भी बता रहे थे कि उन्होंने हॉस्पिटल अधिकारियों से बात की और कुछ पेशेंट्स का इसमें देहांत होने का भी संभावना जताया जा रहा है। हम ऑफिशियली एक कंफर्मेशन का अभी भी अवेट कर रहे हैं अहमदनगर के ये सिविल हॉस्पिटल के तरफ से। तो जैसे ही आग लगी, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, अरुणिल भी जो हमें जानकारी दे रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लोगों को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, एकदम से डॉक्टर्स नर्सेज वहां पर पहुंचे, उनका ट्रीटमेंट और तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। अभी ऑफिशियल जानकारी का हम अपडेट का और इंतज़ार कर रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से आंकड़ा सामने रखा जाए। तो 17 लोग इस आईसीयू में थे, जल्दी से प्राथमिकता यही थी कि आग को बुझाया जाए ताकि आग की चपेट में और लोग ना आए, लोगों का दम घुटने की वजह से और ज़्यादा जनहानि ना हो। हालांकि जो आशंका यही है कि 4 से 5 लोगों की मौत हो गई है, यह आशंका है। अभी मैं फिर से आपको बता दूं, ऑफिशियल जानकारी का अपडेट का हम इंतज़ार कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट वजह है और आशंका जताई गई है, 4 से 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आसपास इन मरीजों के घर वाले जो उनका इलाज करवा रहे थे, खुद उनके साथ अस्पताल में मौजूद हैं, एकदम उन लोगों का भी हाल बेहाल है, वो लोग भी एकदम परेशान हो गए। अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है इस आग के लग जाने के बाद। लेकिन महाराष्ट्र से बार बार इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं, अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं, इस पर अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे।